आज के राइडर हमारे ये हैं। हेलो सर, हेलो मैम, कैसे हो मैम? ऑल गुड मैम। पिकअप अभी हो गया, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं सीधे नंदगांव। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज है 28 सितंबर 2022, टाइम हो रहा है अब मॉर्निंग के 4:10 और मैं घर से निकल रहा हूँ। कल रात को आ गया था मैं, रात को 10 समथिंग घर आ गया था, इसी चक्कर में कि मॉर्निंग में जल्दी निकलना। तो आज कहाँ जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ, कौन है, सारा कुछ बताएंगे इसी ब्लॉग में। ब्लॉग लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कर लो और बेल आइकन दबा दो, अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स चेक करो, कमेंट बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी एस्टीमेट चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, नहीं तो मेरा स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, वहाँ से भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज बस घर से निकल रहे हैं, तो कर लेते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट अपने घर से, गो। सो गाइस आज की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। जो राइडर की पिकअप लोकेशन दिखा रहा है वो 22 किलोमीटर 33 मिनट दिखा रहा है। तो राइडर ने बोला है 4:45 पे आ जाना आप पिकअप करने, तो करेक्ट 4:45 पहुंच जाएंगे राइडर की पिकअप लोकेशन पे बगैर किसी देर के। तो निकलते हैं पिकअप लोकेशन पे और मिलते हैं पिकअप करने के बाद। बाय बाय। का मैं करेक्ट पिकअप लोकेशन पे पहुंच गया हूं अभी। तो राइडर हमारे आ चुके हैं और पिकअप मैंने कर लिया, तो करा देता हूं राइडर से इंट्रो, कौन है, कहां से, सारा कुछ। सो गाइस आज के राइडर हमारे ये हैं। हेलो सर, हेलो मैम, कैसे हो मैम? ऑल गुड मैम। पिकअप अभी हो गया, अभी हम कहां जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं सीधे नंदगांव, हमारे होम टाउन। और थैंक यू सो मच भैया, आप नंदगांव से हैं? हाँ जी, हम नंदगांव से हैं और अभी हम ग्रेटर नोएडा रह रहे हैं फॉर आवर जॉब एंड एवरीथिंग। ओके, थैंक यू सो मच भैया टाइम पे अरेंज कराने के लिए, पिकअप आधी रात को आप आए हैं, थैंक यू सो मच। मैम तो अभी मेरे से कांटेक्ट कैसे हुआ, मेरा कांटेक्ट नंबर कहां से मिला? पापा आपकी वीडियोस देखते हैं और ही गेव मी योर नंबर। ओके, थैंक यू सो मच। आपके पापा कुछ हैं ऐसे, कुछ बताया था सर ने मेरे को? हाँ, इस भागवत आचार्य। ओ, भागवत आचार्य जी हैं। और ये नंदगांव से हमारे राइडर हैं। वैसे हम सोचते हैं ना कि नंदगांव हम ना टूर के हिसाब से जाते हैं, लेकिन आज हमें राइडर ही मिल गए नंदगांव के, तो आज चलते हैं नंदगांव। मैम अभी वापस भी आना है हमने? हाँ जी, खूब मस्ती करेंगे, वापस आएंगे मैं भैया और आप। ये मैम है, मैम के भैया हैं, तो सब लोग जा रहे हैं वहाँ पे नंदगांव, तो घूमेंगे नंदगांव, मैम के गांव में सब कुछ दिखाएंगे आपको जो जो दिखाने का है। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, अगर रास्ते में कहीं रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए तो अपडेट करेंगे, नहीं तो फिर मिलेंगे नंदगांव पहुँच के। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, मैम को बोलते हैं बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे पहुँच के। बाय। हम पहुंच गए होटल, होटल करके एक जगह है, वहाँ पे गुलशन ढाबा पड़ा था, वहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं। ब्रेकफास्ट तो करेंगे नहीं, क्योंकि जहाँ से मैम को मैंने पिकअप करा था ना, मैम ने वहीं से एक पोहा ले लिया था, तो वही खा लिया था सबने मिलके, तो अच्छा लगा था पोहा। और अभी यहाँ चाय पी लेंगे, तो अभी केवल 23 किलोमीटर दिखा रहा है और 35 मिनट और लगेंगे समथिंग, तो पी लेते हैं चाय और मिलते हैं। तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट और चाय हो गई फिनिश, क्योंकि ब्रेकफास्ट कुछ करा नहीं था, चाय पीनी, तो चाय हमने पी थी, बढ़िया लगी थी। अभी मैम से पता करते हैं कि मैम ने चाय पी थी कैसा लगा, टेस्ट कैसा था मैम, टेस्ट था एक नंबर, सुबह सारी नींद खुल गई है और अब हम घर जाके सीधे खाना खाएंगे, मम्मी ने ऑलरेडी खाना बनाया। अच्छा, खाना घर जा कर रुकेंगे, यहाँ चाय वगैरह पी, नाश्ता किया, कैसा लगा सर टेस्ट? बढ़िया था चाय का, बढ़िया एकदम, चाय का टेस्ट काफी बढ़िया था, क्योंकि नींद वींद लग रही थी हल्की हल्की, चाय मिल गई थी एकदम फ्रेश हो गए बढ़िया से, और खाया पिया कुछ है नहीं, वो घर पे अब एकदम होम मेड वाला खाना खाना है, यहाँ का नहीं खाना, अभी घर पहुँच जाएंगे 35 मिनट में, है ना, लेट्स गो। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं घर पहुँच के। बाय बाय। सो गाइस
फाइनली हम पहुंच गए नंदगांव। नंदगांव में पहुंच के एकदम गांव वाली फीलिंग आ रही है। जैसे मैं अपने गांव में जाता हूँ ना, ऐसे ही रहता है, मैदान मैदान पड़ा हुआ, घर बने हुए, छोटी छोटी गली, एकदम गांव वाली फीलिंग आ रही है। तो पेड़ की छांव में, नीम की पेड़ की छांव में ही गाड़ी लगा दी मैंने यहाँ पे। अभी मैम और सर चले गए अंदर और मेरे को भी बोल गए गाड़ी खड़ी करके आ जाना छांव में। तो अभी मैं भी जा रहा हूँ अंदर, कर लूँ थोड़ा चाय। सर के घर के पास में एक क्या बताया था सर आपने, यशोदा मैया का मटका है, जहाँ पे यशोदा मैया दूध चढ़ाती थी। तो अभी हम देखने जा रहे हैं वहीं पे, फिर वहीं पे आपको सारा हिस्ट्री बताएंगे उसके बारे में। बस दो मिनट में पहुंच जाएंगे, पहुंच गए वो मटके के पास में। तो कुछ इस तरह से मटका है यहाँ पे, और भैया को इसकी काफ़ी डिटेल पता है, तो भैया थोड़ा सा बताएंगे थोड़ा सा इसके बारे में क्या है। ये यशोदा मैया का मटका है जिसमें वो दही से मक्खन बनाती थी। ऐसे 7 मटके थे, बट बाकी के 6 मटके मुगल शासकों ने तोड़ दिए, अभी सिर्फ एक बचा है। अच्छा, एक अभी भी बचा हुआ है ना। हाँ, 6 औरंगजेब ने तोड़वा दिए ना, राइट। इसको टेक्निकली 5000 साल पुराना बताते हैं। अच्छा अच्छा, और ये बहुत पुरानी धरोहर है इस गांव की। तो हमने कुछ अभी यही देखा है, अभी बहुत सारी जगह जाएंगे कुछ देर के बाद में। तो अच्छा लगा ये देख के, और काफ़ी हिस्ट्री पता लगी सर के द्वारा। तो सर से थैंक यू सो मच सर के लिए, और अभी मिलते हैं कुछ देर के बाद। सो गाइस, टाइम हो गया 2:10, और जब से मैं छांव में ही बैठा था यहाँ पे, नीम के पेड़ की छांव में, गाड़ी के पास ही इधर ही फोन डाउन हो गया था, फोन चार्ज कर रहा था गाड़ी में बैठ के, और काफ़ी लोगों से इंस्टाग्राम पे बात कर रहा था और कमेंट रिप्लाई कर रहा था यहाँ अपने यूट्यूब वाले और फेसबुक वाले। तो अभी सर का फ़ोन आ गया, बोले खाना वाना खा लो, भूख लग रही होगी। तो मैंने कहा भूख तो नहीं लग रही, पोहा खा लिया था ना सुबह, आके भी आप पोहा खा लिया था। तो अभी बस खाना खाने जा रहा हूँ, और देखते हैं क्या क्या है खाने में, सारा कुछ बताएंगे कुछ देर के बाद, खाना खाने के बाद। तो खाते खाना आज गाँव, गाड़ी भी मेरी पेड़ की छाव की मज़े ले रही है, नीम के पेड़ की छाव की, छाव में खड़ी कर दी ना आराम से। तो कल खा लेते हैं खाना, मिलते हैं इसके बाद। सो गाइस, खाना पीना खा लिया, अब हो गया एकदम फिट, और सब्जी एकदम वही चने छोले इतने मस्त बने थे ना, हद से ज़्यादा। एक छोले थे, एक सब्जी और कोई चीज़ थी, मैं फ़ोटो दिखाता हूँ आपको, ये देखो। बताओ दूसरी वाली सब्जी किस चीज़ की है, ये मेरे को याद नहीं आ रही है, लेकिन छोले एकदम मस्त बने थे, चावल छोले, 2 रोटी खा पाया। मजबूरी मेरी कि मेरी डोज ज़्यादा नहीं है, तो खाना टेस्टी लगता है लेकिन ज़्यादा खा नहीं पाता हूँ, तो 2 रोटी खा पाया, चावल खा पाया इतने बस। तो काफ़ी मज़ा आया खाना खा के। और अभी जो सर है ना, जो सर मतलब मैम के पापा है ना, उनकी आदत मेरे को बहुत मस्त लगी सच में। जब मैं आया था ना यहाँ पे सुबह, तो उन्होंने जैसे अपने दोनों बच्चों को गले लगाया, एकदम जैसे हरे कृष्णा बोला आपस में ना, ऐसे ही मेरे को गले लगाया, बोले अरे बेटा आ गया आजा। गले लगा के एकदम भाई एकदम फील आया भाई, चलो आज पता लगा कि प्यार क्या होता है, मतलब होता है, लेकिन आज सच में एक अलग फीलिंग आई सर के साथ में ना। तो बहुत प्यार से बात कर रहे हैं सर, अभी वृंदावन गए वो, कोई नहीं मिलवाऊंगा सर से भी मैं, सर आ जाएंगे जब तक हम निकलेंगे तब तक शायद आ जाएंगे, तो सर आ जाएंगे मिलवाएंगे। बाकी सर की आदत मेरे को बहुत बढ़िया लगी, मैम के पापा की। तो अभी बस गाड़ी में रेस्ट करते हैं, आपसे करते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे बात। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, और वहाँ पे करेंगे बात, सारे अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे मिलते रहेंगे। तो अभी लाइव आने की कोशिश करते हैं इंस्टाग्राम पे, नेटवर्क यहाँ पे बढ़िया आ रहा है, तो वहीं पे बैठेंगे अपना ठिया, वहीं पे है गाड़ी, नीम के पेड़ के छांव में खड़ी है ना, तो वहीं पे। और ये सर का और मैम का घर है ये वाला, यहाँ पे मैंने खाना खाया था अंदर जाके। तो बस करते हैं रेस्ट कुछ देर, देखते हैं कुछ नया अपडेट कितनी देर में आता है, करेंगे कुछ देर के बाद अपडेट। 4:50, और यहाँ पे मैम का होम विजिट करने आए थे, वो हो गया, सभी लोगों से मिल लिया ना मैम, बढ़िया से। मेरी बुआ एक्चुअली आई हुई थी फ्रॉम यूके, सो अच्छा, अभी ऑटो इंडिया से आई थी, हाँ वो बाहर रहते हैं, तो 2.5 ईयर्स के बाद वो आई है और आज हम उनसे मिले हैं। तो अच्छा, केवल विजिट करने बुआ से आई थी ना, सिर्फ बुआ जी से मिले, अभी सब लोगों से मिल लिया, मम्मी पापा सबसे ना, मम्मी पापा हो गया सर, बढ़िया से सब लोगों से मिले, अभी मजे आए ना। हाँ जी, घर वालों से कितने समय बाद मिलने आए थे हम लोग, काफी महीने हो गए, घर को तो काफी महीने हो गए, दिल्ली से यहाँ पे काफी दिनों के बाद आए थे, काफी टाइम हो गया भैया, और बिकॉज ऑफ यू कि हम टाइम पे आ पाए, थैंक यू सो मच, वेलकम। ऐसा था ना जैसे कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से लीज लेना मुश्किल हो जाता है ना, तो ऑफिस घर, तो घर पे आके विजिट हो गया, बढ़िया से। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, समथिंग हमें लग जाएंगे 2.5-3 घंटे। तो अभी भैया भी खड़े हैं, ये मैम के छोटे भैया हैं सर, हेलो, कैसे हो सर? बढ़िया सर। तो अभी भैया को बोलते हैं बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, कब देखते हैं सर के घर पे, अब कब नेक्स्ट टाइम आएंगे। तो अभी निकल रहे हैं और सीधे निकलना है दिल्ली के लिए, तो पहुंचते हैं दिल्ली, और रास्ते में कहीं रुकेंगे नहीं, और सर को बोलते हैं बाय बाय।
6:10 और हम पहुंच गए औरंगाबाद। औरंगाबाद से पहले ही 5 किलोमीटर पहले एक ढाबा पड़ा था, वहां पे मन किया चाय पीने का, तो चाय पीने के लिए रुके, लेकिन चाय का टेस्ट ना इतना गंदा था, कुछ कह नहीं सकते, वो ऐसा टेस्ट नहीं आया है ना सर। सर कैसा लगा टेस्ट चाय का? चाय पानी की व्यवस्था हो गई है, चाय वहाँ बेकार थी। पर चाय का टेस्ट अच्छा नहीं आया ना मैम, चाय का टेस्ट बहुत ही गंदा आया, फेंकनी पड़ गई चाय वाली, बढ़िया टेस्ट नहीं आया। वैसे हम बोलते नहीं ऐसे किसी को, लेकिन वाकई में बढ़िया नहीं था ना, चाय बेकार थी, वहाँ बेकार। मैं बना दूँ उससे बढ़िया तो यार, मैं बताती भी नहीं है बनानी। चलो कोई नहीं, अभी निकल रहे हैं यहाँ से और हम पहुँच जाएंगे तकरीबन 7:30 बजे तक हम नोएडा। तो फटाफट पहुँचते हैं, मैम को ऑफिस भी जाना है, तो मिलते हैं नोएडा पहुँच के। बाय बाय। टाइम हो गया 7:05 और हम पहुंच गए नोएडा। नोएडा मैम की सोसाइटी में पहुंच चुके हैं, अभी मैम को कर देता हूं ड्रॉप, तो मैम से एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं कि आज की जर्नी थी मेरे साथ ट्रैवल करके कैसा लगा। सो हेलो मैम। हाय भैया। मैम कैसा लगा आज मेरे साथ ट्रैवल करके? लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैंने किसी ऐसी मतलब रोड ट्रिप पे इतना एंजॉय किया है आपके साथ में। थैंक यू। और सच में दैट वाज अ ऑसम ट्रिप। कई जगह रुके, थोड़ा बहुत खाया पिया, मजे किए। अभी सर अच्छा लगा ना मेरे साथ ट्रैवल करके? अमेजिंग। मेरा बिहेवियर को लेके ऐसे कोई दिक्कत नहीं रही ना? नहीं, बहुत मजा आया। तो मैम नेक्स्ट टाइम हमारा कब मिलना रहेगा? नेक्स्ट टाइम लाइक मैं और मेरे फ्रेंड्स विल प्लान फॉर द ऋषिकेश ट्रिप, सो डेफिनेटली वी विल कांटेक्ट यू। थैंक यू सो मच। सो गाइस बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ वीडियो आएगा हरिद्वार ऋषिकेश का मैम और सर के साथ में, तो देखते हैं कब आएगा, कब मिलना रहेगा सारा कुछ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जैसे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कर लो, बेल आइकन दबा दो, अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। तो अभी मैम को कर देते हैं यहाँ पे ड्रॉप, मैं यहाँ से निकलता हूँ, फिर देखता हूँ मुझे कहाँ जाना है, तो उसके बाद ही अपडेट करूंगा। तो मैम को बोलते हैं बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय। सो गाइस टाइम हो गया 10:50, मैं पहुंच गया अपने घर, मैं घर पहुंच गया हूं, लेकिन वीडियो गाड़ी में अंदर बैठ के बना रहा हूं, क्योंकि मेरी सोसाइटी में ना बाहर लोग जग रहे हैं, तो वो लोग देखने लगते हैं ये क्या कर रहा है, रात में वीडियो बना रहा है, तो इसलिए गाड़ी में बैठ के बना रहा हूं। और मैम को ड्रॉप करके फिर मैं सीएनजी पड़वाने चला गया, सीएनजी पड़वा के काफी देर खड़ा रहा, मैं सोच रहा कोई घर की तरफ की ड्यूटी मिल जाएगी 25-30 किलोमीटर की तो ले जाऊंगा 62 की इंद्रापुरम की, लेकिन कोई भी ड्यूटी नहीं मिली तो खाली आ गया। काफी देर के बाद वीडियो एडिट करता रहा मैं खड़े खड़े, और मैंने आपको एक प्रॉमिस करा था ना कि मैं जिन्होंने बुक करी है ना मेरी गाड़ी मैम के पिताजी से मिलवाऊंगा, लेकिन मैम के पापा चले गए थे वृंदावन, वो लौट के आए नहीं हमारे आने तक, तो उनसे इंट्रो नहीं करवा पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। बाकी सर की आदत मेरे को बहुत ही बढ़िया लगी जैसे मैंने बताया, और देखते हैं नेक्स्ट टाइम कभी मिलेंगे तो आपका इंट्रो करवाएंगे। बाकी सर का देखो मैंने फोटो लिया था, ये देखो ये सर हैं, तो इनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा, और यही मेरी वीडियो देखते हैं, इन्हीं ने मेरा नंबर अपनी बेटी के लिए दिया था, तो मैम ने मुझे फ़ोन करा ऐसे ऐसे जाना है, तो मैं ठीक है कोटेशन दे दी, और सारा बिल विल मेरा मैम ने जो भी पेमेंट बना था सारा कर दिया बढ़िया से, और मैं अभी घर पहुंच गया हूं। तो आज का ब्लॉग कर देते हैं यहीं पे एंड, और कल देखते हैं कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ बताएंगे कल के ब्लॉग में, तो कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल भूलना। इस वाले ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड, लास्ट में यही बोलेंगे हंसते रहो मुस्कुराते रहो देखते रहो विक्की ब्लॉग, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। गाइस ब्लॉग देख लिया, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता भी दो मुझे कैसा लगा ब्लॉग, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा पक्का। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ भी क्वेश्चन करो, और फेसबुक पे देख रहे हो तो शेयर कर दो वीडियो और फॉलो कर लो, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।